हेलो फ्रेंड्स, एस के रसोई के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं रोटी का ऐसा रेसिपी बनाकर बताऊंगी जो आपका 8 दिन 10 दिनों के लिए ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने रोटी ले लिया है, ये टोटल रोटी हमारा 6 रोटी है। तो सबसे पहले मैं 3 रोटी का बनाऊँगी। तो 3 रोटी हटा के मैंने रख दिया है और 3 रोटी ले लिया है। अब मैंने ले लिया है एक चाकू और एक कांटे वाली चम्मच। तो ये कांटे वाले चम्मच से हम रोटी में छोटे छोटे होल करेंगे। अच्छे से हमें होल करना है। तो ये एक रोटी में हो गया है, दूसरे में भी हम उसी तरह से होल करेंगे। तो ये 2 में हो गया है और तीसरा रोटी में भी इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये 3 रोटी में हो चुका है। तो मैंने ले लिया है चाकू और चाकू से रोटी को साइड से कट करेंगे। अभी हमें लंबा लंबा ही कट करना है। तो ये रोटी को हमने कट कर लिया लंबे में, अब हम इसे और कट करना है। इस तरह से हम सभी रोटी को कट करेंगे। सभी रोटी को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी रोटी को हमने कट कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। तो गैस ऑन कर दिया है और कढ़ाई भी चढ़ा दिया हमने और इसमें रिफाइंड ऑयल डाल दिए और ये हीट भी होने लगा है फ्रेंड। तो ये तेल हमारा हीट हो चुका है। अब हम डाल देंगे कटी हुई रोटियाँ। तो ये उतना रिफाइन है इसमें जो कि सारा रोटी चल जाए इसमें। तो मैंने इसमें सारी रोटियाँ को डाल देंगे। तो मैंने सारी रोटी डाल दी है इसमें कटी हुई और इसे एक बार चला दिया है। तभी थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, क्योंकि तेल में डालने के साथ क्या होता है ना, रोटियाँ एकदम मुलायम हो जाती है। इसे थोड़े थोड़े देर पर चलाते रहेंगे। तो ये हल्का हल्का हो चुका है, हल्का हल्का ब्राउन हुआ है। इसे और ब्राउन करना है हमें। तो ये रोटी में हल्का हल्का क्रंचीपन आ रहा है। तो ये रोटी का देखिए कलर हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेंगे। एकदम पापड़ी के जैसे एकदम क्रंची बनती हैं। आप चाहें तो इसे चाट,
में भी डाल सकते हैं, मटर का जो चाट बनाते हैं ना पापड़ी चाट, आप भी पापड़ी चाट भी बना कर इसे खा सकते हैं। इसे हम नाचोस भी बोलते हैं। देखिए देखिए हमने सभी को अच्छे से निकाल लिया है। अब बहुत बहुत खस्ता बनती है, आप ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिए। तो मैंने इसे छान लिया है, अब मैं डालूँगी इसमें हल्का सा काला नमक, रोटी के हिसाब से ही मैं डाल रही हूँ इसमें, और थोड़े से चाट मसाले। तो मैंने चाट मसाले भी डाल दिए हैं, आप इसे एक चम्मच से लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी गर्म है फ्रेंड्स, इसलिए मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, यानी तो हाथ से भी मैं इसे मिक्स कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।